ग्लोबल स्टार पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ एक बार फिर अपने फेमस दिल लुमिनाती सिंगिंग टूर पर जा रहे हैं। इस बार यह टूर घरेलू ट्रिप पर होगा। दिल लुमिनाती टूर की टिकट का प्राइस कथित तौर पर 25,000 रुपये बताया जा रहा है। दिलजीत दोसांझ का यह म्यूजिक कॉन्सर्ट इंडिया में अलग अलग शहरों में होने जा रहा है। इससे पहले एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कॉमेडियन सोम्या साहनी ने पंजाबी स्टार को सोशल मीडिया पर घेर लिया है। सोम्या साहनी ने दिलजीत की उनके कॉन्सर्ट के महंगे टिकट होने के चलते क्रिटिसाइज किया है। इस इन्फ्लुएंसर ने कहा है कि दिलजीत आपके कई फैंस बेरोजगार भी हैं और वो इतना महंगा टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सलोनी ने भी महंगे टिकट को लेकर एक वीडियो बनाई है। अब दिलजीत दोसांझ ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। सोशल मीडिया पर दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर खूब बातें हो रही हैं, मीम्स बन रहे हैं। उसी बीच इन्फ्लुएंसर सोम्या साहनी ने टिकट प्राइस पर दिलजीत को घेरा है। अपनी पोस्ट में सोम्या कहती हैं, यह बात कहने के लिए शायद मुझे पछतावा हो सकता है, लेकिन एक इंडियन आर्टिस्ट का कोई हक नहीं है कि वो अपने कॉन्सर्ट की टिकट के दाम 20,000 से 25,000 रुपये तक रखे, वो भी तब जब वो देश के कई शहरों में टूर करे। मैं आपको बता दूँ कि आपकी कोर ऑडियंस के पास पैसा और रोजगार दोनों ही नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए सोम्या ने आगे क्या कहा है। दिलजीत जैसे बहुत कम खुशनसीब आर्टिस्ट होते हैं जो अपने ही देश में मास लेवल पर कॉन्सर्ट कर पाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास का आदमी महंगे टिकट होने के चलते भी उन तक पहुंच नहीं पाता। आप लोग विदेशों में कॉन्सर्ट में छूट दे सकते हैं, लेकिन अपने देश में नहीं। विदेशों में 100 से $150 के टिकट होते हैं, जो बहुत कम है। लूला पालूजा के पास कई कॉन्सर्ट लाइनअप है, बावजूद इसके उसके टिकट के दाम बेहद कम है। बता दें कि दिलजीत दोसांझ का दिल लुमिनाती टूर आने वाले 26 अक्टूबर से शुरू होने जाने वाला है। इसकी शुरुआत दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से होगी। इसके बाद ये हैदराबाद, अहमदाबाद, लखनऊ, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरु, इंदौर, चंडीगढ़ और गुवाहाटी में होगा। कॉन्सर्ट के अलावा दिलजीत आलिया भट्ट की फिल्म जिगरा को लेकर भी लाइमलाइट में है। एक बार फिर दिलजीत दोसांझ आलिया भट्ट के साथ काम करने वाले हैं। 8 साल बाद वो एक्ट्रेस संग दोबारा काम करेंगे। आलिया की अपकमिंग फिल्म जिगरा के एक सॉन्ग में दिलजीत अपनी आवाज देंगे। कुड़ी गाना आलिया पर फिल्माया गया है। आलिया ने दिलजीत और अपनी एक और तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में दिलजीत और आलिया कैमरे की तरफ पीठ करके कुर्सी पर बैठे देखे जा सकते हैं। दोनों की कुर्सी के पीछे कुड़ी गाने के बारे में लिखा है। फिलहाल फैंस के बीच में दिलजीत के कॉन्सर्ट को लेकर जबरदस्त क्रेज है। महंगे टिकट्स के अलावा ग्लोबल लेवल पर एक्टर की फैन फॉलोइंग की भी खूब तारीफ हो रही है। बता दें कि इससे पहले दिलजीत ने कई इंटरनेशनल कॉन्सर्ट्स किए हैं, साथ ही साथ वो हॉलीवुड पॉप स्टार्स के साथ कोलैबोरेशन को लेकर भी पॉपुलर हैं। इस वक्त दिलजीत के फैंस को बस उनके कॉन्सर्ट की टिकट चाहिए, जिसके लिए वो हर पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं। वेल, इन्फ्लुएंसर ने महंगे टिकट को लेकर जिस तरीके से दिलजीत को पॉइंट आउट किया है, इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड न्यूज नेशन डिजिटल। थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज नेशन। अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।